Hey guys, welcome back to VIA Family Vlog. So, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने साड़ी क्यों वेयर की है. सो आज मैंने अपने मूड के हिसाब से साड़ी वेयर की है. आप लोग बहुत बोलते हो मुझे कि मैं साड़ी नहीं पहनती. तो मैं पहन लेती हूँ कभी कभी मेरा मन करता है तो, क्योंकि दिन भर योग को संभालना होता है तो साड़ी संभालने में बहुत डिफिकल्ट होता है. तो अभी मैं उड़ाने वाली हूँ चीनू के होश. उनको नहीं पता है तो चलते हैं चीनू के पास. कैसी लग रहे हो मैं? भाभी एक नंबर लग रहा है. पहली बार देखा मैंने साड़ी में, पहले वीडियो में देखा था. अच्छा बढ़िया लग रहा है सही में. शादी में ना भाई इतना प्यार आ गया बाबू मुझे शादी में. यू मम्मा साड़ी में कैसी लग रही है? यू को जब भी प्यार आता है ना वो ये जो ऐसे चाटने लगता है. छोड़ दो पापा. यू विनर. बढ़िया लग रही हो. कहाँ जा रहे हो? खाना दो. खाना भूख लग रही है. हाँ दे रही हूँ खाना. यू मम्मा कैसी लग रही है? प्रिटी. अरे किसी को मम पीना है किसी को खाना खाना. मम्मा कैसी लग रही है वो पूछ रही हो तो नहीं बताया. मम्मा को बोल दो मम्मा आप प्रिटी लग. बोलो मम्मा प्रीटी लग रहे हो. मम्मा को तारीफ सुन क्या कह रहे हो? चीनू को लग रही है बहुत तेज भूख और भूख के कारण तारीफ निकल नहीं पा रही है. तो पहले खिलाती हूँ खाना फिर एक डंडा लेके बैठती हूँ तारीफ करवाने के लिए. शायद तब निकल रहा है तारीफ. चीनू कंजूस है एक नंबर की तारीफ करने में. आज मैंने बनाई है मेथी और आलू की सब्जी, रोटी, दाल एंड चावल. चीनो थोड़े से दाल गरम कर दो. हाँ कर दो. कर दो. तो चीनू खा रहे हैं खाना. नीचे कुछ बिछाते नहीं है चीनू. उनको लगता है कि ठंडा ठंडा अच्छा रहता है. जब से मैंने भी बिछाया तब से भैया ने भी नहीं बिछाया. क्या? जब से मैंने भी बिछाई ना तब से भैया ने भी नहीं बिछाया. देखा को देखते काम सीखता हूं. तो अब हम जा रहे हैं ऊपर युवो को नहलाने के लिए. उसको तैयार करेंगे फिर हम घर से निकलेंगे. आज मुझे बहुत सारी गाइस रील बनानी है क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कुछ न्यू क्रिएट नहीं किया. सो मैं वो करूँगी आज. तो गाइस आज मुझे करना था चीनू पे एक बहुत बड़ा प्रैंक. पर समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो कैसे करूँ क्योंकि वो अभी तो घर पे ही है. उनको समझ में आ जाएगा. मुझे ऐसा लगा था कि वो शोरूम पे रहेंगे तब मैं कुछ ऐसा प्रैंक करूँगी. पर कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नया आइडिया सोचती हूँ कि मुझे प्रैंक कैसे करना है. हमेशा छीतुवन ही जाना होता है. कहीं भी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए तो युवू छीतुवन जाएंगे गेम जोन. है ना बिट्टू? है ना? और बोल रहा है ना. युवो को तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि युवो बाओ. एक मिनट केशव है कीरा. इसीलिए तो मम्मा बोली है आपको. नहीं है, झूठ बोल रही थी मम्मा. थोड़ा सा युवो आपके हेयर में ऑयल लगा देती हूँ मैं.
बढ़िया से। अरे रे बहुत सारा गिर गया। तो पलक ये हमारा सीक्रेट है, ठीक है, और ये टॉप सीक्रेट है, ओके। ये भैया को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, और हंसना तो बिल्कुल भी मत दो, तेरी हंसी बिल्कुल बता देती है कि ये मजाक चल रहा है, ठीक है। तो एकदम सीरियस होकर के रहना, भैया पे आज होने वाला है बहुत बड़ा प्रैंक, ठीक है, है ना। हंसेगी तो नहीं, नहीं है ना, बिल्कुल भी हंसना मत, पता तो चलने भी मत देना। तो चलो प्रैंक करते हैं। सुन सुन, तू अभी हंस ले जितना हंसना है तुझे, ठीक है, इसके बाद तो बिल्कुल भी मत हंसना, अभी हंस ले, ठीक है। अगर पलक तूने मेरा भांडा फोड़ा ना, है ना, और प्रैंक का तो बताऊंगी तेरे को, फिर मैं हंस ले, फिर आना बाहर। तैयार हो तो आज खुश रहो ना। कहाँ जाना है? कहाँ जाने के लिए तैयार हो? मम्मा गेम जोन जाना है आपको। गेम जोन जाना है यूविन के साथ आपको। मैं ना तुमको एक बात बताने वाली थी, मैं कल से ना मुझे ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, मतलब एंजाइटी बोल सकते हैं इसको, कि अंदर ही अंदर मेरे को कुछ खाया जा रहा है, मतलब अजीब अजीब लग रहा है। तो मैं तुमसे ना कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या? तो तुम गुस्सा मत होना। गुस्सा क्यों होना है? इसीलिए मैं आज तैयार भी हुई हूँ कि थोड़ा तैयार होकर के तुमसे बात करूंगी ना, तो तुमको थोड़ा गुस्सा कम आएगा ही नहीं। कल मैं तुम्हारी कार लेके गई थी ना, तो वो थोड़ा सा ठुक गई थी एक आदमी ने, तो उसने जाकर के रिपोर्ट डाल दी मेरे कार के नंबर से, फिर मैं थाने पे बैठी गई। तुम ये सब क्यों छोड़ रहे हो? बोल रही हूँ ना कि थोड़ा सा ना पेशेंस रख के सुनो। गुस्सा नहीं आ रहा, सुन रहा हूँ ना। तो वहाँ पर ना एक आदमी आया हुआ था, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं थाने पे हम लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी छूट गई। तो उसने क्या करा कि जो मेरा वो था ना, वो अपना सब वो कर दिया और उसने हमको वहाँ से रफा दफा करके निकाला। फिर उसने मुझे बोला कि गुस्सा तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, तुमने फोन भी नहीं लगाया कि ऐसे ऐसे। तो गाड़ी ठुक गई थी, तुम मुझे और बातें सुनाते, ऑलरेडी पैनिक हो रही थी, तुम मुझे और सुनाते, इसलिए मैंने नहीं बोला तुमको। मैं क्यों सुनाता? गाड़ी ठुक गई तो क्या हो गया? गाड़ी ठुक जाने दो, उसमें क्या? मुझसे ज्यादा तुम्हें गाड़ी से प्यार है ना? अच्छा, बोलते हो तुम। वाह यार, समझा तुमने। अभी आगे मेरे को पूरा सुना ले दो, फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। सुना, मेरे से तेज थोड़ी ना भाग सकती। तो उसके बाद उसने मुझे ना वहाँ से बोला कि छुड़ा दिया हमको, सब खत्म कर दिया, रफा दफा पुलिस वालों को भी हैंडल कर लिया। उसके बाद उसने मुझे बोला आप कॉफी पे चल सकती हो क्या? मेरे को कॉफी पे भी चले गए होगी। मैंने बोला आपने इतना बड़ा मेरे पे एहसान किया, तो मैं एक कॉफी तो पी सकती हूँ। तू क्या बोल रही है? और ऊपर से फ्री की मिल रही थी कॉफी, तो अपन पियेंगे। किसी ने मुझ पे इतना बड़ा एहसान करा तो मुझे गिल्ट फील हो रहा था कि अगर उसने मुझे बोला कि कॉफी पे चलो, तो मैं बोला एक कॉफी तो है, पी लेती हूँ साथ में। सही है, जब अपने अंदर बुद्धि नहीं है तो फोन करके पूछ लेना चाहिए कि मैं कॉफी पे चले जाऊँ डेट पे। मुझसे ही पूछ लेती कि मैं जा रही हूँ डेट पे। तो तुमको मुझे पूरी बात बतानी पड़ती ना कि मैं क्यों डेट पे नहीं, तो नहीं बतानी, डेट पे नहीं गई थी, मैं सिर्फ कॉफी पीने गई थी। इसी को ही डेट बोलते हैं आजकल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब सामने वाले ने इतना बड़ा एहसान करा मेरे ऊपर, तो मैंने उसको एक कॉफी तो पी, वो भी मैंने अपने ही मुंह में पी ना, उसको थोड़ी ना पिलाई। कॉफी तो तुम नहीं, ये चुप बैठे होगे, यूं पियोगी तुम दोनों? पलक भी गई थी मेरे साथ, पलक भी गई थी, पूछ लो उससे नियत की नाराज। क्यों पलक, ऐसे चुपचाप बैठ के कॉफी पी तुम लोगों ने? हैं? हाँ। तूने भी पी कॉफी? हाँ। ये कौन सी कॉफी कॉफी खेल रहे हो तुम लोग? कॉफी कॉफी नहीं, और तुम्हें वो कल की बात आज बता रही हो, कल घर आने के बाद भी नहीं बताई तुमने। वही तो मैं बता रही हूँ कि रात भर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, एंजाइटी हो रही थी।
और शायद मेरी तबीयत भी इसीलिए खराब हो गई थी। डर लग रहा था तुमको? बहुत। किस बात से? कि मैंने तुमको चीट किया। नहीं, इस बात से लग रहा था कि मैं धोऊंगा पकड़ के। हाँ। तो अब उस बात को मैं सच ही प्रूफ कर देता हूँ अभी, क्योंकि जो तुमने काम करा है वो तो धुलने लायक ही करा है। अभी इसको सोने दे बाबू को, तो तेरे को बताता हूँ कितने तेरे को मजा आया कि नहीं। अब तेरे के पर निकल गए हैं बहुत दिनों से। मैंने कहा प्यार प्यार से रख रहा हूँ ना, कि चलो प्यार से रहने दो, प्यार से रहने दो, हर चीज पर पर निकल। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना उस चीज के लिए, तैयार भी हुई हूँ मैं। कितना मम्मी को भी बताता हूँ, इसके पापा को भी। पलट के उसमें क्या गलती है? वो तो मैंने जो बोला वही उसने किया। नहीं तो तुम दोनों, तो उसकी मम्मी को क्यों बताओगे? पर निकल पर क्यों निकल रहे हैं? पर नहीं निकल रहे हैं, बस उसने बोला क्योंकि उसने गाड़ी छुड़वाई हमारी थाने से, इसलिए। इसमें तुम समझो कि नहीं समझो, ऐसे में विश्वास टूटता है। अब समझो कि मत समझो, तुम्हारे मर्जी। और तुमने जानबूझ के सोचा कि ये तो कुछ बोलेगा नहीं ब्लॉग में, तो इसलिए तुमने ये चालू कर दिया कि कुछ बोलेगा नहीं। मैं अपना वो कर रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पब्लिसिटी कर रही हूँ अपनी नादानी की, अपनी सफाई पेश कर रही हूँ लोगों के सामने, दुनिया के सामने। और क्या करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, गिल्ट में हूँ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। क्या रे बाबा, कुछ भी काम हो तो मेरे को लगाना चाहिए ना फोन, कहीं भलते ही कुछ भी कर रहे हैं। तो लगाया ना मैंने तुमको फोन की गाड़ी गैरेज में डाल दो सुधारने के लिए, ठोक दी थी मैंने कल। आज तो बच्चों को सोने थे, उसके बारे में मैं तेरे को बताता हूँ। तेरे बहुत ज्यादा ही आजकल पद निकलने लग गए। बताया ना तुमको, सच सच बताया, दिल का जो भी क्या बताया, बताया बताया आज बताएगी क्या? जब हो रहा है तब बताना था ना, तब मैं बताती, तुम जाने देते क्या मुझे? जाने क्या देते, मैं आता ना वहाँ पे तो तुम मेरे को चिल्लाते पहले वहाँ पे 10 लोगों के सामने, फिर उसके बाद बोलते कि आज के बाद गाड़ी मत छोड़ो। मतलब तुम गलती करो, तुमको कोई चिल्लाए भी नहीं, कुछ बोल भी नहीं सकते तुमको ना? ऐसा नहीं है, मैंने फिर फोन लगाया था ना तुमको। क्या फोन लगाया था, कब लगाया? गाड़ी ठुक गई है, उसको गैरेज में डाल दो। गैरेज में भी उससे डलवा लेती ना, जिसके साथ कॉफी पी थी उससे डलवा लेती, मेरे से क्या डलवाना था गाड़ी? वो क्यों पैसे लगाया, गाड़ी तो तुम्हारी है। कॉफी के पैसे तो वो लगा ही रहा था ना, तुम्हारे भी सारे खर्चे वही उठाएगा। अभी इस घर में तुमको रहना है तो खर्चे उससे ही उठवाना, उसी के साथ रहना। मैं तो जा रहा हूँ, दिमाग खराब कर दिया। मेरी कोई उससे इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं हो गई जो मैं उससे खर्चे उठवाऊंगी, मैं तुमसे ही उठवाऊंगी खर्चे। तो थाने जा रहे हैं, टेंशन में है, उधर कॉफी पीने जा रहे हैं, पति का कोई ख्याल ही नहीं कि पति को फोन लगा के बतानी है सब बात। नहीं, अपन कॉफी पीने जा रहे हैं, माइंड हल्का करने ना, किसी और के साथ माइंड हल्का करने जा रहे हैं। माइंड हल्का नहीं करने जा रहे, जैसे मुझे टेंशन हो गया गाड़ी ठुकने पे, तो मैं तुमको क्यों टेंशन दूं? अच्छा, तो अपना टेंशन किसी और के साथ में हल्का कर लो। ऐसा नहीं है, वो समझ ही आ रही है ना वो बात, तो किसको नहीं समझ में आ रही है? इतना तो क्या मैं बच्चा हूँ क्या, इतना समझ में आई? तुम्हारे कारनामों के कारण ना आज इसके सामने ये सब मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चे के सामने कुछ ना बोलना पड़े। ये सब सीन तुम्हारे कारण ही हमेशा क्रिएट होते हैं। उसको भी लेके गई तुम शाबाश बेटा, जीवन में मत सुधरना उसको भी, मतलब हम तीनों इसको भी लगवा दिए थाने के चक्कर है ना आज। थाने के चक्कर नहीं, हम बाहर ही थे इसीलिए तो बोल रही हूँ, उस आदमी ने हमारी हेल्प करी। आपको तो बोलना चाहिए कि अच्छा हुआ उसने हेल्प करी बेचारे ने। चल चल, तेरे मेरे को बेचारे से मिलवा, चल। मेरे को क्या पता कहाँ है वो, तुम नंबर भी ले लिया तो फिर कहीं से तो मिलेगा नंबर, अपन पता करते ना, सब सब निकाल लेंगे अपन तो पता। कितना बेचारा हो गई ना, अरे कितना बेचारा था ये तो पता करूँ मैं, कितना बेचारा था। आज तो देख बेटा, आज तो मेरे को सब कुछ जानना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो सब खत्म हो गया आज तो मेरे दिमाग से। तूने बहुत बड़ा विश्वास तोड़ दिया, और आज मैं अगर उस कितना बेचारा है ये सब तुम्हारे सीन का पता नहीं करूंगा ना, जब तक कि मेरा दिमाग नहीं शांत होगा। और सही में अगर बेचारे निकल गए तो ठीक है, नहीं तो अपनी कब्र की बुकिंग करवा लेना कहीं से भी। आज हम हिंदू है तो सजी धजी भी बहुत, आज इसलिए ये लग रहा है मुझे, जाने ही है तेरे को शायद। आज भी होगा कुछ प्लान तुम लोगों का कॉफी वॉफी का, तुम्हारे लिए तैयार हुई थी ताकि तुम मेरे को गुस्सा ना करो। साड़ी पहनती हूँ तुमको अच्छा लगता है ना, इसलिए मैंने साड़ी पहनी। दाल चावल खाती मेरे साथ, कॉफी किसी और के साथ, दूर दूर बैठ करके तुम्हारे साथ एक थाली में खाती हूँ, उसके साथ मैंने कॉफी दूर बैठ के पी है। तू मेरा दिमाग मत खराब कर, फूटेगी आज तो बेटा। चल तो
चल आज तो चलना ही नहीं, वहां पर रिपोर्ट लिखे ना तो नंबर होगा ना उनके पास, थाने में तो नंबर होगा। आज तो सब पूरी तफ्तीश करके आऊंगा, पता करके आऊंगा आज तो। चलो बेटा घूम ही चले, चल चलो चलो। मैं नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। हो गई ना गलती, अब बोल दिया मैंने, सॉरी भी बोल दिया, नहीं करूंगी आगे से। इतनी सी बात पे तुम मेरे को माफ नहीं कर सकते क्या? तुम तो इसको भी अब भूलने की तैयारी करना, अगर आज कुछ भी मेरे को समझ में आ गया। मैं कोई डेट पे नहीं गई ना, मैं तो एक कॉफी पी। हम जा रहे हैं, मैं ही पता करके आ रहा हूँ। कौन से दाने पे गए थे? जा रहा हूँ मैं तो अभी चेक करके रहूंगा। सही में सीरियसली? हाँ पूरा चेक करूंगा, चलना है तो चलो साथ में, ये तो मैं तो जा ही रहा हूँ। मजाक कर रही थी ना, प्रैंक हो रहा था आपके ऊपर। कहीं नहीं गई मैं, बस गाड़ी ऐसे ही ठुक गई थी इसलिए तुमको वो बता दिया था मैंने। मजाक कर रही थी मैं जी, कोई थाने वाने नहीं गई है। कॉफी पीने गई बस। अरे जब थाने ही नहीं गई तो बंदा ही नहीं मिला तो कॉफी पीने ही नहीं गई ना, पूरा झूठ है। योगी स्माइल देखो, सही है तो मैं चेक करूंगा ये झूठ है कि नहीं। अरे झूठ क्यों पलक, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं पलक पे भी भरोसा नहीं भाई, मैं चेक करूंगा। मैं आपके बेटे पे भरोसा है क्यों बाबू? झूठ है ना जो अरे सही में यार तुम भी अरे नहीं सकता। प्रैंक कर रही थी मैं, अरे मेरे को चेक तो करना ही पड़ेगा। अरे यार जब प्रैंक कर रही थी तो चेक करना है। तुमने सोचा मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, ये सोच रही होगी कि मैं फंस रही हूँ तो बोल दिया प्रैंक है। प्रैंक है, सच हुआ और बोल दिया प्रैंक। मैं तुमको ये जरूर, हाँ चलो तुमको चलना ना थाने में, मेरे नाम की रिपोर्ट डली हुई है, चलो देखो चलो। सही में भी डली हुई है? नहीं डली है ना, जब तो बोल रहे हो प्रैंक है।